हे गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं क्रिएटर शेड। और रेडमी और रियलमी के ज़माने में देखते हैं ये नोकिया 5.1 प्लस किस तरह से परफॉर्म करता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन की। इसके मामले में तो नोकिया ने ताड़ फाड़ कर दी है। मतलब इसका ग्लास बैक और इसकी नॉच वाली स्क्रीन जो आईफोन ने पॉपुलर करी दी है, और ओवरऑल अ वेल बिल्ड डिवाइस है ये। आपको डिज़ाइन के मामले में कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइन देख रहे हो तो आप डेफिनेटली इस नोकिया 5.1 प्लस को ले सकते हैं। अगली बात करें अगर पोर्ट्स की, तो लेफ्ट साइड में हाइब्रिड सिम कार्ड का आपको ऑप्शन मिल जाता है। या तो आप दो नैनो सिम यूज़ कर सकते हो या फिर एक नैनो सिम और एक मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हो इसमें, जो कि ठीक है। मतलब ठीक है, वी एक्सेप्ट इट। नीचे की तरफ देखें तो USB टाइप सी पोर्ट दी है। आई एम वेरी हैप्पी कि ये USB टाइप सी पोर्ट के साथ गए। मतलब 11,000 के फ़ोन में आई डोंट थिंक कि कोई और फ़ोन है जो USB टाइप सी पोर्ट देता है मेरे नज़रिए में। मतलब रेडमी और रियलमी का फ़ोन आई डोंट थिंक कि कोई देता है। तो इस USB टाइप सी पोर्ट के लिए आई सैल्यूट यू नोकिया। USB टाइप सी के साथ साथ आपको स्पीकर भी मिलता है जो ठीक ठाक है। मतलब एक्स्ट्रा लाउड नहीं है बट ठीक है, मतलब सुनाई देता है। और उसी के साथ है माइक पोर्ट। ऊपर की तरफ आपको हेडफोन पोर्ट दिया है। अब जो भी USB टाइप सी के साथ आपको डिवाइस प्रोवाइड कर रहा है वो हेडफोन जैक ऑटोमेटिकली हटा दे रहे हैं, जो कि एक अच्छा मूव नहीं है, एटलीस्ट इन 2018। तो नोकिया ने ये रखा। अब इसके बाद वन ऑफ द मेन थिंग ऑफ द डिवाइस, दैट इज़ द स्क्रीन। तो स्क्रीन HD प्लस है, फुल HD स्क्रीन नहीं है, बट इतनी बुरी भी नहीं है। मतलब अगर आप सामने से देखो इसको और अगर व्यूइंग एंगल्स देखो इसके तो अच्छे हैं। मतलब आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप कोई घटिया डिस्प्ले देख रहे हो। बहुत अच्छी स्क्रीन है इसकी, और नॉच वाला डिज़ाइन दिया है जो कि एप्पल ने पॉपुलर कर दिया है। नॉच की इसको ज़रूरत नहीं थी वैसे, क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा सेंसर्स नहीं लगे हैं, बस एक फ्रंट फेसिंग कैमरा है, स्पीकर है और नॉर्मल जो IR सेंसर आपका होता है, बस वो सेंसर है। बाकी और कोई सेंसर, एक्स्ट्रा सेंसर्स नहीं दिए, जैसे फेस रिकॉग्निशन वाले होते हैं वो कुछ नहीं दिया है इसमें। तो ऐसे ही है, मतलब बस डिज़ाइन वाइज ठीक करने के लिए कि और फोन्स कर रहे तो इसने भी कर दिया। बाकी अगर स्क्रीन की बात की जाए तो स्क्रीन बहुत अच्छी है। आपको एक चिन मिलता है, एक थिक चिन मिलता है नीचे की तरफ जिस पे नोकिया की ब्रांडिंग दी गई है, बट ठीक है। मतलब मुझे ये इरिटेट नहीं करती है। हालांकि ये चीज़ ज़रूर इरिटेट करती है मेरे को कि फ्रंट में कोई भी लोगो वगैरह नहीं होना चाहिए, ब्रांडिंग नहीं होनी चाहिए, बट ठीक है ना यार, नोकिया है, इमोशनल बॉन्ड है तो माफ़ करते हैं इसको। पीछे की तरफ डुअल कैमरा का सेटअप है। कैमराज मैं बोलूँगा कि एवरेज है, मतलब ना ही ज़्यादा झकास ताड़फाड़ है ना ही ज़्यादा बकवास है, मतलब इन द मिडल है, बिल्कुल ठीक ठाक है। मतलब अगर इसका प्राइस पॉइंट देखा जाए तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से बिल्कुल सही है ये। 11,000 रुपये का लगता है कि ये 11,000 का ही कैमरा है। सो बैक कैमरा नो इश्यूज़, फ्रंट कैमरा भी ओके ही शोकेश है। और एक और फीचर मुझे जो बहुत ज़्यादा पसंद लगा इसमें वो स्प्लिट स्क्रीन का है। स्प्लिट स्क्रीन बोलते हैं जो भी बोलते हैं उसको, तो आप फ्रंट कैमरा और रियर कैमरा दोनों ऑन कर सकते हैं एक साथ। तो अगर आपने दोनों फ़ोटोज़ लेनी है, आगे वाले की भी लेनी है और पीछे वाले की लेनी है, तो आप इजीली उसको ले सकते हो और वीडियो भी इस तरह से कैप्चर कर सकते हो। प्लस इसमें एक और बहुत अच्छा फीचर है कि आप YouTube और Facebook पे स्ट्रीम कर सकते हो डायरेक्टली इसकी डिफ़ॉल्ट कैमरा ऐप से, जो कि कोई और फ़ोन नहीं देता भाई, कोई और फ़ोन नहीं देता। आपको एक्स्ट्रा ऐप्स उसके लिए डाउनलोड करनी पड़ती है। तो बहुत सही चीज़ लगी यार मेरे को। अगर आप ज़्यादातर ऑनलाइन रहते हो या फिर फेसबुक पे लाइव जाते हो, यूट्यूब पे लाइव जाते हो, तो ये बहुत ज़्यादा इनबिल्ट फीचर है, बहुत ज़्यादा अच्छा इनबिल्ट फीचर है। तो कैमरा ऐप में फीचर्स तो बहुत सारे दिए हैं, पर जो इसकी एक्चुअल इमेज क्वालिटी है वो ठीक ठाक है, 11,000 रुपये के हिसाब से ठीक ठाक है। तो नोकिया, गुड जॉब ऑन द कैमराज एंड गुड जॉब ऑन द डिज़ाइन एंड गुड जॉब ऑन द स्क्रीन। Now what about the performance? पहले इसमें मीडिया टेक का हीलियो P60 प्रोसेसर है।
जो कि ठीक है, मतलब परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है उसकी, स्नैपड्रैगन 660 से थोड़ा सा नीचे आता आई थिंक, और मतलब परफॉर्मेंस ठीक है, पबजी खेल के देखी थी मैंने इसमें, और मेरा एक्सपीरियंस जो रहा वो बड़ा धांसू रहा। मतलब अगर आप हाई सेटिंग्स में खेलोगे तो डेफिनेटली आपको लैग्स मिलेंगे, ये प्रोसेसर इतना ज़्यादा भी हैंडल नहीं कर सकता है, बट अगर आप मीडियम सेटिंग्स में, बैलेंस्ड सेटिंग्स में रखोगे पबजी गेम को तो डेफिनेटली मस्त चलता है ये, कोई लैग्स नहीं है, और आपको एक ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। मतलब एक घंटे मैंने पबजी गेम खेली, ज़रा सा मतलब ठीक ठाक थोड़ा बहुत गर्म हुआ, और जो बैटरी थी इसकी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 20% घटी होगी एक घंटे के प्ले में, तो दैट्स अ गुड थिंग। बाकी और अगर डे टू डे प्रोसेसेस देखें आप तो डे टू डे प्रोसेसेस मक्खन चलती है, आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। एनिमेशन इसकी अगर थोड़ी लो कर दोगे आप, 1x होती है डिफ़ॉल्ट एनिमेशन, उसको ऑफ कर दोगे या 0.5x कर दोगे तो ठीक चलेगा, ये कोई भी आपको दिक्कत की बात नहीं है। तो डिज़ाइन के मामले में भी अच्छा है, प्रोसेसर के मामले में भी अच्छा है। बुरी बात क्या लगी मुझे इसमें, मतलब थोड़ा हार्ड था कि इसकी बुरी बातें बोल सकूं मैं, बट एक तो ग्लास होने की वजह से बेनिफिट तो होता ही है कि आपका प्रीमियम डिवाइस लगता है, बट उसी के साथ साथ बहुत सारे स्मजेस दिखते हैं इसमें, फिंगरप्रिंट मैग्नेट है ये, तो आपको जो केस है वो तो डेफिनेटली लगाना ही पड़ेगा इसके ऊपर। और हाँ, सबसे मेन चीज़ तो मैं बताना ही भूल गया, ये एंड्रॉयड 1 प्रोग्राम के साथ आता है। एंड्रॉयड 1 तुमको अगर पता होगा तो गूगल वालों का अपना प्रोग्राम है ये, तो आपको अपडेट्स की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपका जो फोन है वो अप टू डेट रहेगा। अभी इसमें एंड्रॉयड ओरियो है, बट दिसंबर आते आते इसमें एंड्रॉयड पी का सपोर्ट भी आई थिंक मिल जाएगा, तो एंड्रॉयड अपडेट्स के लिए यू डोंट हैव टू फिकर, जस्ट चिल। तो भाई बात ऐसी है कि ये एक ओवरऑल वेल राउंडेड डिवाइस है, इसका फील, इसकी परफॉर्मेंस, इसका डिजाइन, एवरीथिंग इज ऑन टॉप। मतलब 11,000 की रेंज में ये आपका एक चॉइस बन सकता है, अपार्ट फ्रॉम रेडमी फोन्स, अपार्ट फ्रॉम रियलमी फोन्स। सो मेरी तरफ से इट इज़ डेफिनेटली अ पिक, आप इसको खरीद सकते हो, और अच्छी बात यह है कि ये फ्लैश सेल नहीं आता तो आप इजीली इसको खरीद सकते हो, तो जाओ इसको डेफिनेटली तुम खरीद सकते हो 11,000 के बजट में। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिवाइसेस, अगर तुम रेडमी के फ़ोन से बोर हो चुके हो, अगर तुम रियलमी के फ़ोन से बोर हो चुके हो तो डेफिनेटली इसको खरीदो। इसका कॉम्पिटिटर स्ट्रेट अवे रेडमी 6 प्रो है, तो मैं यही बोलूँगा कि इस पर बस डिज़ाइन देख लो, तुम्हारा को 6 प्रो का, रेडमी 6 प्रो का डिज़ाइन अच्छा लगता है वो भी 11,000 का मिलता है, या फिर नोकिया का डिज़ाइन अच्छा मिलता है जो कि 11,000 में मिलता है, उसमें तुम्हारा को MIUI मिलेगा, इसमें तुम्हारा को एंड्रॉयड 1 मिल रहा है जो कि बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो बस इतना ही था इस 5.1 प्लस की वीडियो के लिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक मार दो, अगर अच्छी नहीं लग रही है तो डिसलाइक मार दो, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, वो जो लाल बटन है ना नीचे उसको दबा दो, और उसके साथ घंटी भी होगी तो उसको भी दबा देना, तो तुम्हारा को सबसे पहले मिल जाएगी मेरी वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करता हूँ, तो डेफिनेटली कर देना। और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर दो, Himanshu Sharma YT, हिमांशु शर्मा यूट्यूब, तो ज़रूर फॉलो कर दो। जितने भी DMs है, जो भी पूछना है तुम वहाँ पे पूछ सकते हो, मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ। सो नाउ बाय, मेरे को आउट्रो करने नहीं आती अच्छे से। ओके बाय।